जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। अच्छा, तो ये यहाँ पड़ा हुआ था। अकेला अकेला, देखो तो मुझे क्या मिला, याद है ये चीज? ये तो शैतानों की घाटी। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे तो कुछ ही दिन पहले की बात लगती है। दो नौजवान निकल पड़े कठिन डगर पर। याद है, हमने उनकी परछाई भी देखी थी। एक बार तो हम खुद भी डर गए थे। ओहो, किस्मत अच्छी थी जो बच गए, वरना हालत बहुत खराब थी वहाँ। वैसे अकेला और बलू को देखकर लगता नहीं है कि वो इतने जोशीले रहे होंगे। क्या कह रहे थे, शैतानों की घाटी ढूंढने गए थे, वो भी दोनों? मुझे लगता है हम उसे ढूंढ सकते हैं। पर बिना नक्शे के कैसे ढूंढेंगे? किसने कहा? मैंने उसकी कॉपी बना ली है। ये कब किया तुमने? जब वो दोनों बातों में लगे हुए थे। मान गए, पर घाटी का रास्ता कौन सा है? मुझे भी नहीं पता, क्यों ना हाथी से चलकर पूछे। अकेला और बलू की खोज अगर हम दोनों पूरा करेंगे तो वो दोनों बहुत खुश होंगे। क्या खोज? किसी को खोज रहे हो क्या? ये क्या है मुगली, कहीं का नक्शा है क्या? अरे नहीं तो, ये तो केले का पत्ता है। केले का पत्ता? मुझे तो लगा तुम खोज पर निकले हो। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? पूरी तैयारी कर ली, पानी तो ले लिया ना? और खाने का क्या? खाने की जरूरत पड़ेगी ना? और दोनों अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं बल्लू को खबर दे दूँ। कहाँ गए? सुनो बच्चों, तुमने शैतानों की घाटी के बारे में तो सुना ही होगा ना हाथी, और वैसे भी हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। और मेरी याददाश्त तो कुछ ज्यादा ही तेज है मोगली। जरा सोचने दो। अरे हाँ, एक घाटी में कुछ बड़े बड़े जीव तो रहते थे, पर वो सिर्फ कहानियाँ थी। पर वो घाटी है किस तरफ? अगर सच में ऐसी घाटी है तो वो उस तरफ होगी, ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। हाँ? जरा ये नक्शा देखो बाला, ये एक पेड़ लगता है ना? लगता तो है, पर हो सकता है ये जमीन का कोई बड़ा गड्ढा हो। ये जो भी हो, हमें इतना पता है ये उस घाटी में जाने का रास्ता है। अब हमें बस इस जगह को ढूंढना है। अरे वाह, इंसानी बच्चा जंगल में मंगल करने निकला है। इनमें से तो कोई भी पेड़ नक्शे वाला नहीं लग रहा, और ना ही ये गड्ढे वो लग रहे हैं। ये काम तो बहुत मुश्किल है। हाँ, निशान मिल गया। पर घाटी में जाने का रास्ता तो बंद है, हमें ऊपर चढ़ना ही होगा बाला। मुझे टेंशन हो रही है, ये बच्चे बिना पता नहीं क्या कर रहे हैं। कौन से बच्चे डार्जी? अच्छे से शुरुआत से बताओ। मोगली और बाला उस पुरानी घाटी की तरफ कुछ खोजने गए हैं। उसके पास केले के पत्ते पर बना नक्शा था। पता नहीं कहाँ जा रहे थे दोनों। लगता है उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं। उनके पीछे जाना होगा बलू। देखो वाला, यही है वो जगह जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई शैतान नहीं दिख रहे। वो देखो, पैरों के निशान, वो जरूर उन शैतानों के होंगे। कितने बड़े हैं ना, जिनके पैरों के निशान हैं वो तो बहुत बड़े जीव होंगे, और खतरनाक भी। और हम उन पहले जानवरों में से होंगे जो इन शैतानों को देखेंगे। अब चलो इन निशान के पीछे चलते हैं। यहाँ से कहाँ जाना है अकेला? मुझसे मत पूछो, इस तरफ तो मैं अरसों बाद आया हूँ। अरे हाँ, हाथी से पूछते हैं, शायद उसने बच्चों को देखा होगा। हाँ,
मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती मोगली, ये बहुत डरावनी है, हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं बाला, इतना है तो आगे जरूर जाएंगे। पहले यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे ये सोचो। ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, देखो इस रास्ते से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इससे आगे तो कुछ सुराग नहीं मिल रहा। अरे नहीं नहीं बल्लू, इतनी जल्दी हौसला नहीं खोना, हमें उन बच्चों को ढूंढना ही होगा। ये क्या है? हमें मिल गया। घाटी के रास्ते का सुराग मिल गया। मोगली और बाला की महक आ रही है, और किसी और की भी है, बाघ की। शेर खान उनके पीछे है। जल्दी चलो। रास्ता आ ही गया, मुझे लगा ये सुरंग कभी खत्म नहीं होगी। हाँ रोशनी देकर उम्मीद जग रही है। हाँ, बाला देखो तो। कितने बड़े कंकाल हैं, जैसे नक्शे में बने थे। मैं दावे से कह सकता हूँ ये उन शैतानों के ही कंकाल होंगे। शेर खान, मतलब वो हमारा पीछा कर रहा था। कभी कभी बच्चों की नादानियाँ हम जैसे बुजुर्गों के लिए फायदेमंद होती है। इंसानी चूजे, आज तूने मुझे अच्छा मौका दिया है। भागो बाला, ऊपर से जाओ। कब तक इस खड़ी हड्डी पर बैठे रहोगे नमूनो? मैं यहाँ नीचे तुम्हारी बोटी के इंतजार में बैठा रहूँगा। अब हम क्या करेंगे मोगली? हम तो यहाँ कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन तुम जैसा लालची इंतजार नहीं कर पाएगा शेर खान, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। बात तो सही है, इंतजार नहीं होता मुझसे, पर तुझे खाकर दफा हो जाऊंगा। नहीं, ये तो शेर खान है। जल्दी जल्दी चलो। कोई फायदा नहीं होगा इंसानी बच्चे, जल्दी से अपना दिमाग लगाओ। चल गया, परछाई से मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मोगली और बाला कहाँ हैं शेर खान? उन्हें कुछ हुआ तो बचोगे नहीं। अब तक नहीं हुआ पर जल्दी हो जाएगा, और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तैयार रहो बलू। जवानी वाली किक मारूंगा इसे। ये तो किक सुनते ही भाग गया। मोगली, बाला, शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। सुरक्षित तो है, पर आज इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही बेवकूफी कर ली थी। आज पता चला इतने साल पहले हम भी शायद इन कंकालों की परछाई देखकर ही यहाँ से लौट गए। कितना बुरा सपना था, पता है एक बड़ा शैतान मेरे सिर पर बैठा था और हम एक घाटी में।
फिर हमें आइडिया आया, क्यों ना इस खोपड़ी से शेर खान के बच्चे को डराया जाए। फिर हमने अकेला बलू और डारजी को बचाया। हाँ हाँ, अपने मुंह मियां मिट्ठू अब ज्यादा मत बोलो। वैसे ये जानवर कौन सा है बलू? मेरे ख्याल से ये कंकाल उन जीवों के हैं जो यहाँ सदियों पहले रहा करते थे, और शायद अब उनका नामो निशान मिट गया, जो अच्छी बात है। ये तो बात कर रहा है। मैंने तुम्हें डरा दिया ना? अरे नहीं डाजी।